हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज 5.1, राइट। सो हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 5.1, तो हमने उसमें कुछ सम्स देखे थे कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास है उसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है तो कोई पॉइंट पे या तो फिर इन जनरल वे में हम लोग उसकी कंटिन्यूटी जो है वो किस तरह से चेक कर सकते हैं, राइट। एक और स्टेटमेंट था जो मैंने बोला था कि आप लोगों के पास अगर ऐसे फंक्शन है जिसकी कंटिन्यूटी हमें ऑलरेडी पता है तो आप लोग वहां पे डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि ये सारे फंक्शन जो है वो कैसे होंगे, कंटिन्यू ही होंगे, राइट। बट ऐसे केसेस जहां पे आप लोगों को फाइंड करनी हो डिसकंटिन्यूटी एट सम पॉइंट, राइट, सो वहां पे हमें डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है उसका हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करेंगे, राइट। तो सपोज आप लोगों को फंक्शन यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, ऑलमोस्ट 7 से क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 30 तक आप लोगों को सेम ही मेथड से क्वेश्चंस करने हैं, तो हम लोग उसमें से एक दो क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो क्या दिया हुआ है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 13 तक कि आप लोगों को फाइंड करनी है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें क्या है कि आप लोग फंक्शंस देखोगे ना सभी क्वेश्चंस में तो कुछ इस तरह के फंक्शंस दिए हुए। अब यहाँ पे भी आप लोग ये फंक्शन पे फोकस करो तो यहाँ पे देखो मॉड्यूलस फंक्शन है, राइट, फिर कांस्टेंट है, फिर पॉलिनोमियल्स है हमारे पास, राइट, और ये सभी फंक्शंस तो हमें पता ही है कि ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, राइट। तो अब हमें क्या फाइंड करना है डिसकंटिन्यूटी के लिए, तो जहां पे भी फंक्शन चेंज हो रहा है जिस भी पॉइंट से उस पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे कि अगर वो पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर हमें डिसकंटिन्यूटी वाले कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट अदरवाइज वहां पे अगर कोई पॉइंट कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, राइट। सो सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों को दिया हुआ है x लेस देन और इक्वल्स टू -3 एंड यहाँ पे जो दिया हुआ है -3 लेस देन x लेस देन 3, तो इसका मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन -3, तो हमें 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव के लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं, तो हम लोग 3 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। दैट मीन्स की f of -3 फाइंड करना है, देन हमें फाइंड करना है x tends to -3 नेगेटिव एंड x tends to -3 पॉजिटिव। अगर ये तीनों इक्वल मिल रहे हैं तो वी कैन से दैट के फंक्शन इज कंटिन्यूअस अदरवाइज नॉट। तो देखते हैं हम लोग के किस तरह से वर्क करना है हमें यहाँ पे। तो आप लोग देखो कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है एट x इज इक्वल टू -3, दोनों पॉइंट पे चेक करेंगे -3 एंड +3, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि x tends to -3 नेगेटिव, राइट। अब -3 नेगेटिव दैट मीन्स कि x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, सॉरी -3, राइट। तो उसके लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, मॉड्यूलस x +3, राइट। तो अभी वही चीज कि यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस x +3। अब मैंने बोला था कि अगर 3 नेगेटिव है तो हम लोगों को वहां पे एज्यूम क्या करना है, x इज इक्वल टू, जैसे हम लोग लेते हैं कि c नेगेटिव है तो c माइनस एच लेना है, यहाँ पे -3 नेगेटिव है तो -3 माइनस एच हो जाएगा, राइट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है और लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0, और अब 0 लिमिट पुट करना हमारे लिए इजी है तो h की जगह 0 पुट कर दो तो क्या मिलेगा, मॉड्यूलस में -3 +3, और हमें पता है कि कोई भी वैल्यू अगर मॉड्यूलस में है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 3 + 3 दैट मीन्स कि वहां पे आंसर जो है वो हमें क्या मिलेगा, 6। सेम वे में हम लोग देखें कि 3 -3 पॉजिटिव दैट मीन्स कि राइट हैंड साइड से लिमिट, ये कुछ ऐसा चल रहा है, राइट, यहाँ पे -3 है और हम वहां पे अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन जो है -3 से बड़ी वैल्यू, राइट, सो एक्स इज ग्रेटर देन -3 और उसके लिए फंक्शन कौन सा था, -2x, तो यहाँ पे क्या होगा, -2x। अगेन x को यहाँ पे हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, तो हमने देखा था कि c माइनस है तो c माइनस एच था, c प्लस होगा तो यहाँ पे c प्लस एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 + h। c की वैल्यू
वैल्यू माइनस थ्री है तो वो माइनस थ्री ही कंटिन्यू रहनी चाहिए, वो कहीं से इधर उधर मत कर देना, राइट। एंड अगेन माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे एंड देन एच टेंस टू जीरो लिमिट पुट करोगे तो वहां पे आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, सिक्स। एंड अगर आप लोग फाइंड कर रहे हो फंक्शन की वैल्यू एट थ्री, दैट मीन्स की एफ ऑफ माइनस थ्री, तो वो फंक्शन क्या होगा, हमें पता है इक्वालिटी कहाँ पे होल्ड हो रही थी, ये इक्वालिटी में भी यही फंक्शन कंटिन्यू रहेगा ना, मॉड्यूलस एक्स प्लस थ्री, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा, एफ ऑफ माइनस थ्री फाइंड कर रहे हैं तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस थ्री प्लस थ्री, दैट मीन्स की यहाँ पे भी आंसर जो है वो क्या मिलेगा, सिक्स। दैट मीन्स की तीनों जो आंसर हमने फाइंड किए वहां पे हमें आंसर क्या मिला, सिक्स सिक्स एंड सिक्स, दैट मीन्स की ऑल थ्री आर इक्वल, राइट। यहाँ पे तीनों की वैल्यू हम लोगों को इक्वल मिली, सो वी कैन से दैट की फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब जैसा हमने माइनस थ्री के लिए चेक किया सेम वैसी प्रोसेस आप लोगों को प्लस थ्री के लिए करनी है, राइट। कि अगर हम लोग ले रहे हैं एक्स इज इक्वल टू थ्री तो वहां पे क्या होगा कि थ्री नेगेटिव लिमिट पहले चेक करते हैं, एक्स टेंस टू थ्री नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो थ्री नेगेटिव दैट मीन्स की एक्स की वैल्यू थ्री से छोटी, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा है, यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन थ्री के लिए क्या है, माइनस टू एक्स, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स, अगेन थ्री माइनस एच से रिप्लेस करेंगे एंड एच टेंस टू जीरो लिमिट पुट करेंगे तो आंसर जो है वो क्या मिलेगा, माइनस सिक्स। अगेन थ्री प्लस जा रहे हो तो थ्री प्लस के लिए आप लोगों को फंक्शन दिया हुआ है सिक्स एक्स प्लस टू, तो एक्स की जगह आप क्या रखना पड़ेगा, थ्री प्लस एच, राइट। तो एच टेंस टू जीरो आप लोग सिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुछ ऐसी टर्म मिलेगी, राइट। एंड वहां पे एच टेंस टू जीरो पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ट्वेंटी, एटीन प्लस टू दैट मीन्स की ट्वेंटी, राइट। अब यहाँ पे ऑब्वियस है कि आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, राइट, डज नॉट इक्वल टू मिला, तो ऑब्वियसली फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट दिस पॉइंट, दैट मीन्स की फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो जब भी आप लोगों को कुछ इस तरह का फंक्शन दिया हुआ हो तो जिस भी वैल्यू के लिए आप लोगों को फंक्शन जो है वो चेंज होता हुआ दिया हुआ है तो उसी पॉइंट पे आप लोगों को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी के सभी पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, राइट। यहाँ पे दो वैल्यूज दी हुई है, सपोज आप लोगों को बहुत सारे फंक्शन ऐसे दिए हुए हैं जहाँ पे दो वैल्यूज दिए हुए हैं, सपोज एक्स एंड एक्स स्क्वायर, और सपोज दिया हुआ है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड एक्स इज लेस देन वन, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है तो सिर्फ वन के ऊपर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है कि लेट एक्स इज इक्वल टू वन, वन पॉजिटिव के लिए वन नेगेटिव के लिए, दैट मीन्स की वन के लिए लेफ्ट हैंड साइड एंड वन के लिए राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करो, राइट। और देखो कि वहां पे आप लोगों को आंसर इक्वल मिल जाए कि नहीं, अगर मिल रहा है इक्वल तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज नहीं है, राइट। ये एक और केस है जिसके ऊपर आप लोगों को वर्क करना है, तो इससे तो इजी है, यहाँ पे हमने दो पॉइंट के लिए किया, यहाँ पे एक ही पॉइंट के लिए करना पड़ेगा, राइट। तो वो आप लोग ट्राई करोगे तो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आंसर जो है वो आप लोगों को फाइंड करने, राइट। हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो हमें दिया हुआ है, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। कि क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग देखोगे तो फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि जहाँ पे x की वैल्यू 0 है और जहाँ पे x की वैल्यू 0 नहीं है। अब 0 नहीं है का मतलब क्या है, कि इसका मतलब कि x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 दोनों के लिए फंक्शन यही होगा, राइट। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आंसर फाइंड कर सकते हैं, इसका मतलब कि हम लोग 0 पे ही कंटिन्यूटी चेक करेंगे, अगर उसमें आंसर सेम मिल गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अदरवाइज पे वो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, राइट। अदरवाइज ये कंटिन्यूअस है वो हमें पता है क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है, डिवाइड में पॉलिनोमियल, दोनों
कंटिन्यूअस फंक्शन का डिवीजन है वो कंटिन्यूअस ही होगा, हमें जस्ट डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट को चेक करना है। ओके, सो हम लोग जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो एफ ऑफ जीरो आप लोगों को पता है, वो तो क्वेश्चन में ही दिया होगा कि एफ ऑफ जीरो जो है वो जीरो होगा। तो जहां पे भी जीरो नहीं है ये दोनों केस में, दैट मीन्स कि x टेंस टू जीरो पॉजिटिव एंड x टेंस टू जीरो नेगेटिव, दोनों में आंसर अगर हमें जीरो मिले तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस अदरवाइज नॉट, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीरो पॉजिटिव से, राइट। तो x टेंस टू जीरो पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, फंक्शन मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x। अब x को किससे रिप्लेस करना है, जीरो पॉजिटिव है तो c प्लस h, दैट मीन्स कि जीरो प्लस h, तो जीरो प्लस एच से रिप्लेस कर दिया, राइट। सो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो मॉड्यूलस ऑफ एच अपॉन एच। अब पॉजिटिव वैल्यू है, मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस लिखने की जरूरत नहीं है, एच बाय एच क्या हो जाएगा वन, राइट। तो वहां पे हमें फाइनल आंसर क्या मिला, वन। तो यहाँ से भी हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि फंक्शन की जीरो पे वैल्यू एंड फंक्शन की राइट हैंड साइड से वैल्यू दोनों डिफरेंट आ रही है। बट स्टिल अगर आप लोगों को करना हो तो नेगेटिव के लिए भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा कि x टेंस टू जीरो नेगेटिव, अगेन फंक्शन तो सेम ही रहेगा, राइट। वापस से वही चीज कि आप लोगों को क्या करना है, x को रिप्लेस करना है, यहाँ पे किससे रिप्लेस करोगे, जीरो माइनस एच, राइट। देन h टेंस टू जीरो नेगेटिव लिमिट मॉड्यूलस ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि माइनस एच जो है वो मॉड्यूलस में से निकलेगा तो वो प्लस एच हो जाएगा, और डिवाइड में तो माइनस एच ए है, राइट। और उसको कैंसल आउट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस वन। और ऑब्वियसली ये दोनों भी आप लोगों को डिफरेंट आंसर मिले, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट दोनों डिफरेंट है, तो वहां पे आंसर जो मतलब कि क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू होगा, तो फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो जहां पे भी इस टाइप के फंक्शन आप लोगों को दिए हुए हैं, इस तरह से आप लोग वर्क कर सकते हो कि कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, वो आप लोग इजीली चेक कर सकते हो। जस्ट आप लोगों को देखना है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट एंड फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, तीनों हमें क्या मिलने चाहिए, इक्वल। सिर्फ उसी केस में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट। स्पेशली मॉड्यूलस फंक्शन पे वर्क करो तो थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज वहां पे हम लोग आगे आगे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस भी है जो कभी कभी हमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर देते, तो वो जैसे जैसे सम्स हम लोग करेंगे आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, राइट। बट इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे आप लोगों को पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है वो आप लोग इस तरह से कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमने बोला था 14, 15 एंड 16, वो भी आप लोगों को इसी वे में दिए हुए हैं, तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उस टाइप की क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके 14, 15 एंड 16 तीनों आप लोगों को सेम ही वे से करने हैं, तो हम लोग 16 की बात करते हैं, राइट। तो अगेन जैसे मैंने बोला, आगे हमने किया सेम वही प्रोसेस आप लोगों को करनी है। जस्ट क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों को बोला हुआ है कि कंटिन्यूटी डिस्कस करो, तो कंटिन्यूटी भी हमें जो पॉइंट पे फंक्शन चेंज दिया हुआ है उसी पे तो डिस्कस करनी है कि अगर उस पे कंटिन्यूअस हो गया तो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, राइट। ऑब्वियसली ये तीन फंक्शन दिए हुए हैं वो तो कंटिन्यूअस ही है, हमें पता ही, हमें सिर्फ माइनस वन एंड वन पे फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो चेक करनी है। तो वो तो चेक करना हमारे लिए इजी, हमने अभी अभी उसके सम्स देखे, जैसे हमने माइनस थ्री एंड प्लस थ्री के लिए देखा, यहाँ पे माइनस वन एंड वन के लिए देखना है, राइट। और अगर माइनस वन एंड वन ये दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन हमें कंटिन्यूअस मिल गया तो वी कैन से दैट की फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, राइट। वही चीज x इज इक्वल टू माइनस वन लेना है, फिर x टेंस टू माइनस वन नेगेटिव एंड x टेंस टू माइनस वन पॉजिटिव, एक के लिए फंक्शन माइनस टू होगा, दूसरे के लिए 2x, राइट। अब x
को आप लोग रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे 2x है, तो x को हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस वन प्लस s से, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस 2x, और h टच टू जीरो अप्लाई करोगे तो ये 2x जीरो हो जाएगा, सो फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस टू। एंड f ऑफ माइनस वन तो माइनस टू है ही, फंक्शन में ही दिया हुआ है, राइट। तो ये तो तीनों हमें यहाँ पे कैसे मिले, इक्वल्स टू, वी कैन से दैट कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू माइनस वन। सेम वे में हमें चेक करना है x इज इक्वल टू वन, तो x इज इक्वल टू वन के लिए अगेन वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, एक के लिए फंक्शन 2x, दूसरे के लिए 2, राइट। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये दोनों इक्वल ही है, राइट। तो इक्वालिटी मेंटेन होगी, दोनों का आंसर सेम ही मिले। 2x में भी अगेन x को किससे रिप्लेस करोगे तुम लोग, 1 माइनस एच, तो ये 2 1 माइनस एच होगा, और 2 माइनस 2h, और लिमिट अप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, राइट। और इसीलिए दोनों में आंसर सेम मिलेगा। f ऑफ 1 फाइंड करोगे तो वहां पे भी आंसर सेम मिलेगा, तो ये जो तीनों आंसर है वो कैसे मिलेंगे हमें, इक्वल ही मिलेंगे, राइट। ये डज नॉट इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू ही है, राइट। एंड वी कैन से दैट की फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, राइट। तो आप लोगों को वही सेम चीज की जो दो पॉइंट दिए हुए हैं उसी पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एंड फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू, राइट। तो फंक्शन जो है वो आप लोग इजीली बता सकते हो कि कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, राइट। यहाँ पे दोनों पॉइंट पे हमें फंक्शन क्या मिला, कंटिन्यूअस मिलेगा, ओके। तो कुछ इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो। एक और टाइप के क्वेश्चन इसके बाद आप लोगों को दिए हुए हैं 17 एंड 18, उसमें आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, एन लैम्डा की, जो भी आप लोग कांस्टेंट बोलो उसके रिलेटेड वैल्यूज एंड इक्वेशंस फाइंड करने, राइट। तो वो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग उसका जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो सपोज यहाँ पे हमें बोला हुआ है वही चीज की, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज डिफाइंड बाय, पूरा फंक्शन हमें डिफाइन करके दिया हुआ है, जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि विच इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, कि ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस दिया हुआ है, पूछा हुआ है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोग फंक्शन को x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है ऐसा लेके लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी लैम्डा की वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस होगा, राइट। तो हम लोग ले लेंगे कि लेट f ऑफ x जो है वो x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है, और अगर फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है, तो हमें क्या लेना है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड करनी है, और दोनों को इक्वल ले लेना है, तो लैम्डा की वैल्यूज जो है वो हमें मिल जाएगी, राइट। ऑब्वियसली अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो इक्वल होनी चाहिए, होगी ही, राइट। तो वही चीज कि यहाँ पे क्या होगा, जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव दोनों के लिए फंक्शन जो है वो हमें गिवन है। जीरो नेगेटिव में x को किससे रिप्लेस करना है, जीरो माइनस एच से। जीरो पॉजिटिव में कैसे रिप्लेस करना है, जीरो प्लस एच से। यहाँ पे तुम लोग दोनों की लिमिट फाइंड करोगे तो एक का आंसर मिलेगा आप लोगों को जीरो एंड एक में आंसर मिलेगा वन। अगर हमारा फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस है, तो जैसा मैंने बोला कि दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो हमें लैम्डा कहीं पे मिल ही नहीं रहा, एक में जीरो मिल रहा है एक में वन मिल रहा है, राइट। तो जीरो इज इक्वल टू वन जो है वो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल होगा, वो हमें पता है, राइट। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी कोई लैम्डा की वैल्यू मिलेगी ही नहीं जिसके लिए फंक्शन जो है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूअस होगा, राइट। सो फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं,
राइट। और आप लोगों को नेक्स्ट पूछा हुआ है कि व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 आप लोग ले रहे हो, सपोज यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, तो 1 पे आप लोग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लोगे तो वैल्यूज जो है वो 0 से बड़ी होगी। तो 1 पे अगर हम लोग सेट कर रहे हैं तो फंक्शन जो है वो हमारा कौन सा होगा, 4x प्लस 1, वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। तो वही चीज फंक्शन जो है वो दोनों में सेम होगा। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे x इज इक्वल टू 1 के लिए तो फंक्शन होगा 4x प्लस 1, x को रिप्लेस करो 1 प्लस x से और 1 माइनस x से, तो दोनों में आप लोगों को आंसर जो है वो क्या मिलेगा, 5, राइट। तो दोनों में हमें आंसर सेम मिला। सपोज तुम लोग f ऑफ 1 फाइंड करोगे तो वहां पे भी आंसर 5 ही मिलेगा, राइट। एंड ऑल थ्री आर सेम, दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो f ऑफ x है वो कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा। यहाँ पे लैम्बडा कुछ मैटर ही नहीं करता, राइट। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन जो है वो क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्बडा। इससे आगे जो 17th सम दिया हुआ है, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू नहीं मिल रही है, वहां पे ए बी की कुछ वैल्यूज मिलेगी। तो जैसे हमें यहाँ पे लिमिट रखने के बाद 0 एंड 1 आंसर मिला, वहां पे ए बी के फॉर्म में कुछ आंसर्स मिलेंगे, राइट। एंड फिर उसको इक्वालिटी में लोगे तो ए बी को रिलेट करता हुआ एक इक्वेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरह से आप वहां पे भी इजीली उसका कैलकुलेशन करके ए एंड बी के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाना है तो बना सकते हो, राइट। तो ये हमने देखा कि अगर आप लोगों के पास फंक्शन कुछ डिफरेंट टाइप के हैं, जहाँ पे आप लोगों को कुछ वैल्यू पे फंक्शन चेंज होते हुए दिए हुए हैं, तो वहां पे फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी किस तरह से चेक कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे के एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सम्स करेंगे, जहाँ पे हम लोग और कुछ टाइप के फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करेंगे, ओके। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को कंप्लीट करने, ओके। टिल देन थैंक यू।